एवरीवन, आज है 26 मार्च 2020। क्वारंटीन में आए कितने दिन हो गए मुझे नहीं मालूम, बिकॉज गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाने के पहले से ही मैंने सेल्फ क्वारंटीन शुरू कर दिया था। मैं उठ के उपमा खा चुकी हूँ, दैट्स इट। मैंने ब्रश भी नहीं किया अभी तक, बट यही है क्वारंटीन लाइफ। अभी बस हम लंच की तैयारी कर रहे थे और आज लंच में हम पानी पूरी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो आई वांटेड टू व्लॉग द होल डे टुडे। तो पानी पूरी के पानी के लिए जो ग्रीन पानी होता है उसमें तो पुदीना और दूसरा चीज़ क्या है, ये पुदीना, ये क्या है, धनिया, ये तो होता ही है। बट हमने ये कल मंगाए थे, मतलब यस्टरडे वी गॉट देम फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट, बट दे हैव नाउ बिकम एकदम सैड, मतलब कर्मा गए हैं वो। तो मॉम इज़ ट्राइंग दिस हैक जो उन्होंने देखा है कि एक पानी के ग्लास में अगर इनको डाला तो क्या ये वापस एकदम जान आ जाते कि नहीं में वापस। तो चलो हम भी देखते हैं इफ़ दिस वर्क्स। 5 मिनट बाद वील कम बैक एंड चेक इफ देयर एनी रिजल्ट। अगर मैं मेरी बात करूँ तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू, विच इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इन द डे एक्चुअली, इज़ टू मेक माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ही एक चीज़ है जो मुझे काम रख रही है ये पूरे टाइम में, कि मुझे पैनिक नहीं होता, मुझे बोर नहीं होता, क्योंकि मैं लिस्ट बनाती हूँ। एंड जब भी मुझे बोर होता है आई जस्ट चेक माई लिस्ट कि अरे इतना सारा काम करना बाकी है, मैं क्या टाइम पास करने बैठी हूँ। सो लेट्स मेक माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे टुगेदर। ओके, चेंज इन प्लान्स। टू डू लिस्ट बनाने के पहले हम बर्तन कर लेंगे, क्योंकि मैंने कल रात को भी नो लाइट क्योंकि कल डिनर के बर्तन मैंने नहीं किए थे। आई सेड कि मैं सब एक साथ करूँगी, तो बहुत सारे जमा हो गए हैं, तो पहले बर्तन कर लेते हैं। शाबाश इंडिया। रिमेंबर हमने ये क्लब फैक्ट्री से लिया था टू ट्राई इन द वीडियो। दिस हैज़ नाउ बिकम माई बेस्ट फ्रेंड। आई नेवर थॉट वो वीडियो बनाते वक्त ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। क्या है उसमें, ये टोपी में क्या क्या है? मूंग और हल्दी और नमक, बस। फिर इज मूंग, हल्दी एंड नमक। मूंग बता दो चम्मच से निकाल के। इज मूंग, हल्दी एंड नमक, उसको हम उबाल रहे हैं। और इसमें है चना, इसमें है आलू। अच्छा, कुकर में है चना और आलू। सो बर्तन का सिस्टम हमने डिवाइड करा है। मॉम फर्स्ट स्टेप करके देती है। फर्स्ट स्टेप मतलब पानी से और बिना साबुन वो स्टील के कुच्चे से सब घिस देती है। एंड देन आई वॉश देम विथ सोप एंड देन आई वॉश देम विथ वाटर एंड पुट देम डाउन, ताकि कोई भी एक पर्सन पे ज़्यादा बर्डन ना आए और किसी एक जन को इतना ज़्यादा खड़ा ना रहना पड़े। पहले ही फूड हटा दोगे ना बर्तन में से तो सोप कम यूज़ होगा, बिकॉज नाउ वी नो कि ऑल ऑफ अस डोंट हैव एक्सेस टू स्टफ लाइक दिस। तो सब बचा के यूज़ करो। साबुन भी वो एक बॉटल में बहुत चलानी है, तो फूड को निकाल दो पहले बिना सोप के, वो स्टील के कुछ जैसे वो ये वाला ये। ऑल्सो दिस हैक डिड नॉट वर्क, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं है। 5 मिनट के हमने 20-25 मिनट, आधा घंटा ऑलमोस्ट रख दिया। तो दिस हैक डज नॉट वर्क। जितना फ्रेश भाजी ले सकते हो लोग। मैंने सारे बर्तन को अभी पहले सिर्फ साबुन से धो लिया है, अब मैं सबको पानी से निकालूंगी। दिस टेक्निक सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो हैक तो फेल हो गया था, बट मॉम हैज़ मैनेज टू पुल आउट सम लीव्स फ्रॉम द बंच। तो उसमें से थोड़ा सा पानी तो बन ही जाएगा। तो इसमें क्या क्या है? पुदीना, धनिया, चिली और पानीपुरी मसाला, संचड़। पानीपुरी मसाला और संचड़। संचड़ को हिंदी में क्या बोलता है? ऐसा दिखता है संचड़। ये मैं कर्फ्यू स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले ले आई थी पानीपुरी। मैं तो सोचा था ऐसे ही तल के खाऊंगी नाश्ते के जैसे, क्योंकि एटलीस्ट घर का तेल यूज़ हो रहा है। काम तो आए। सारे अलग अलग कांच के बॉटल्स पे कार्डबोर्ड का जो पैकेट आता है ना, उसको काट के लगा दिया। एक्चुअली मम्मी का आइडिया था ये, तो ऊपर से मालूम पड़ जाता है कौन से बॉटल में क्या है, और सब फोटो भी लगाया है। नहीं, पानी डाला है, शायद और डालना पड़ेगा। और बस मिक्सर से सब निकाल के स्ट्रेनर में डाला है। फिर ये कुकर से निकले हुए चने और आलू है। ये मूंग जो हमने बॉईल किए थे। डाल रहा है नींबू का रस। अब संजीवनी कपूर टेस्ट करेंगे। और पानी डाल के डाइल्यूट हो सकता है, काफ़ी स्पाइसी है। तो आई थिंक तीनों को पानी पूरी खाने मिल जाएगा। और पानी डाल दिया तो ये चटनी हम पहले से बना के फ्रीज़र में रखते हैं यूजुअली, और इसको लिक्विड करना है। और यहाँ पे बन रही हैं पूरियाँ, ऐसे फ्लैट है और इसको अंदर डालने के बाद धीरे धीरे फूलने लगती है। ये सिटिंग एंड स्टैंडिंग अप लाइक दिस बिकॉज कल मैंने लेग्स का वर्कआउट किया था, बहुत इंटेंस था। माई लेग्स हैव बिकम सोर। फाइनली वी गॉट द टाइम टू सिट एंड मेक आवर टू डू लिस्ट, लेट्स डू इट। सो कल के लिस्ट में से मेरे 5 काम रह गए थे, तो वो कैरी फॉरवर्ड करने हैं, प्लस आज के नए टास्क लिखने हैं। लेट्स गेट टू इट। Lists banana has become my favorite thing in my whole day now because then I know exactly कि मुझे दिन में कितना काम करना है, and I'm able to prepare myself mentally and mental time table बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा हाँ अभी ये करना है, इसके बाद ये। तो देन इट डजंट फील ओवरवेलमिंग एंड आई डोंट फील लेजी एंड आई डोंट फील कि मैं निकम्मी हूँ बिकॉज देन आई रियलाइज कि कितना काम हुआ है। आज का बनाता है फिर। आज के लिस्ट में है 15 चीज़ें। इट्स फाइनली गेटिंग हॉट इन मुंबई। आपके यहाँ वेदर कैसी है? यहाँ पे थोड़ी सी हवाएं है बट मोस्टली इट्स हॉट की आई स्वेट। हमारा पानी पूरी का प्लेट तैयार। यू सॉ हाउ एवरी सिंगल थिंग वाज मेड। बस वो जो ब्राउन चटनी है वो तो पहले से बना के रखा था, इसलिए उसका रेसिपी नहीं है मेरे पास अभी, बट पूरिया इट इज़ ऑलमोस्ट 10:15 PM। पूरा दिन ये बैक एंड वर्क में गया, ईमेल्स, एडिटिंग, कॉल, स्ट्रैटेजाइजिंग। वही मुझे एक बहुत ही वियर चेंज लग रहा है कि प्रीवियसली मेरा मेजॉरिटी टाइम शूटिंग एडिटिंग में जाता था, शूटिंग मेनली, और अभी ये सब काम बढ़ गया। बट दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ स्केलिंग वर्क्स, दैट्स हाउ ग्रोइंग योर बिजनेस वर्क्स। एंड खाना खाया, अभी हम मूवी देख रहे थे लुका छुपी। मस्त मूवी है एक्चुअली, मज़ा आ रहा है देखने में। एंड नाउ वी आर ऑल गोइंग टू सिट एंड प्ले बोर्ड गेम्स। I've been waiting to do this, to play games with the family. Like this is ये चीज़ सब लोग recommend कर रहे कि family के साथ games खेलो, तो आज हम तीनों ने time निकाला है and now we're gonna play. Come on, get a grip now of all the ways we parted. You showed in your way we would stand and we would fall united. Come on, get a grip now. Just finish what you started. Don't like the feeling that I've been fooled, deceived and so misguided. क्लीन, डू नॉट स्किप योर बाथ। सा ऐसे में तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक दिन में एक बार तो नहाना ही है। ऑल्सो आई हैव टर्न ऑन माई येलो लाइट। लाइक रात के टाइम पे मुझे येलो लाइटिंग ही पसंद है बिकॉज इट काम्स मी डाउन। अभी माई स्लीपिंग एरिया इज एक्चुअली क्वाइट मेसी, ये मुझे एकदम साफ करना है। Definition of messy has changed. Like I am improved, okay? जो अभी mess था ना, मेरे लिए पहले वो clean था। A few months ago I would sleep in so much mess कि एक बार मेरे dad को मैं दिखी नहीं पूरे कमरे में से। He's like कहाँ गए? But now since like I feel my mind has cleared up, I need the space around me clean too. Also as a part of prevention from the virus. We've been changing the bed sheets every alternate day, if not every day. So बस अभी आज change करने का time था. ये है मेरा DIY जिम सेटअप. ये डम्बल्स मेरे मॉम के सेंटर पे होता है, योगा सेंटर पे, तो मैं वहाँ से ले आई थी कि सेंटर हमने बंद किया है फॉर द हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ एवरीवन कमिंग. तो मैं वहाँ से ले आई थी, घर पे आकर डिसइनफेक्ट किए. तो दीज डम्बल्स, योगा मैट और एक बैंड, हाँ एक केटल बेल है, बट वो केटल बेल नहीं हो तो भी चलता है, डम्बल्स होता है तो, एंड एक रेजिस्टेंस बैंड है. तो मैं घर पे ही इधर बिछा के जिम बना लेती क्योंकि I posted a few stories and people were like, कोरोना में जिम या ऐसे में आपका जिम खुला है, तो कोई बाहर का जिम नहीं, घर पे ही था. And one more thing, ये है कपूर जलाने का मशीन. तो इस पर मैं रोज़ एक बार कपूर डाल के इसको चालू करती हूँ. इससे ना पूरा रूम क्लेंस हो जाता है, जस्ट brings positivity. So that is one more step that I've added every single day. Aur kya? I guess. Now we will sit with our to-do list and review the whole day. Yeah. I've actually left out a lot of things. Out of 17, I finished 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 में से 8 चीज़ें की, 9 चीज़ें नहीं की. But it's okay. That's why I make lists, because अगर मैंने list नहीं बनाया होता, I would only focus on कि आज मैंने क्या नहीं किया. But because मैंने list बनाया है, I can see that I've done quite a few things today. And now it's time to read. मैंने एक नया routine शुरू किया था रात में कि मैं मेरा फ़ोन switch off ही कर देती थी और लैपटॉप्स कबाट के अंदर. तो क्या ऑप्शन रहेगा, टाइम पास तो कर नहीं सकते अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ. तो आई वुड जस्ट रीड माई बुक. आई शो यू द बुक आई एम रीडिंग करंटली. पहले मैं रीडिंग का सेटअप कर लेती हूँ. आई हैव अ बल्ब देयर. वाओ, दिस इज सो कूल. आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी मी. यू कैन सी मी. तो मेरे बेड के बाजू में जो स्विच बोर्ड है ना, वहाँ से कोई भी ट्यूबलाइट ऑपरेट नहीं हो पाती. तो रीडिंग में मुझे ये दिक्कत आ रहा था. इट्स बिन माई प्रॉब्लम सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो मुझे सोने का मन करता है. अगर मुझे नींद आने के बाद उठ के स्विच ऑफ करना होता है ना लाइट, तो मेरी नींद वापस उठ जाती है. एंड देन आई एंड अप स्पेंडिंग टाइम ऑन माई फ़ोन, बिकॉज दैट्स दी ओनली थिंग जो मैं ऑन द स्पॉट बंद कर सकती हूँ. सो ये मैं किचन से बल्ब उठा लाई हूँ. LED बल्ब तो गर्म नहीं होता एंड आई कैन ईजिली स्विच इट ऑफ मेरे बाजू से. एंड द बुक आई एम रीडिंग करंटली इज सो ब्यूटिफुल. इट्स दिस वन, Man's Eternal Quest. It's helping me find the God within me. Yeah. And अब भी एक और चीज़ करने की याद आई. So that's why I keep my planner right next to me. क्योंकि मेरे डैड ने मुझे ये सिखाया है कि जितनी चीज़ें आपके दिमाग में कम रहेंगी और बुक में रहेंगी, you will have more mental peace. वरना पहले you should have seen me before I started making lists. I would be irritated the whole day. I'd be like, अरे ये करना है वो करना है. But since that time we started making lists, I'm doing way better. तो ये था मेरा पहला क्वारंटीन व्लॉग. I'll make more of these for sure, क्योंकि I know कि जब मेरी फेवरेट यूट्यूबर ऐसे व्लॉग्स बनाती है मुझे बहुत खुशी होती है. तो I hope I can add a little bit of happiness to your life. घर पे रहना जितना हो सके उतना enjoy करो ये time. And I'll see you in my next video. Until then, goodbye. What do I know?